ورغم كل ما نراه من فتن وإغراءات وظهور للباطل في كل مكان، فإن الله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. رغم كل ما نراه من تسارع الناس إلى الشهوات وتكاسل عن الطاعات، فإن من بين أولئك فئة من الناس اختارها الله واصطفاها وحفظها من الفتن لما حفظت أوامر الله. أولئك هم الغرباء، وهم من أردت أن أواسي بكلمات هؤلاء. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قيل: ومن هم؟ اسمع بارك الله فيك. قيل: ومن هم يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس. الذين يصلحون إذا فسد الناس، صححه الألباني رحمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. यह आपने कुछ साथियों के ऑडियो भेजे हैं जो ज़ईफ़ अहादीस पर अमल के ताल्लुक से कुछ बातें कर रहे हैं. मैं समझता हूँ थोड़ा तहकीक की ज़रूरत है उनको, गहराई से. इंशाल्लाह थोड़ी तहकीक करेंगे, गहराई से थोड़ा सा गौर करेंगे तो बात समझ में आ जाएगी. और इस चीज़ को तो वो ख़ुद अल्हम्दुलिल्लाह तस्लीम कर रहे हैं कि हाँ भाई, जब सही हदीस मौजूद हो तो उसके मुकाबले में जो है वो ज़ईफ़ हदीस नहीं लेना है. यानी अगर मुकाबले में कोई सही हदीस नहीं है तो वो ली जा सकती है. और यही तरीका मुहद्दिसीन का रहा है अल्हम्दुलिल्लाह. गौर करेंगे ख़ास तौर से सियासत्ता में, जो 6 सबसे बड़ी और मोतबर किताबें हैं, सही बुखारी, सही मुस्लिम, सुनन अबू दाऊद, जामे तिरमिज़ी और सुनन नसाई और इब्ने माजा, इनकी जो किताबें हैं ये सबसे ज़्यादा मोतबर, सबसे ज़्यादा मशहूर, सबसे ज़्यादा मकबूल कुतुब अहादीस हैं. और जिनको उलमा इस्लाम ने उम्महातुल कुतुब कहा है, जितने भी आज तक सलफ से खल्फ तक उलमा इस्लाम ने जो है फतवे दिए, वो इन्हीं हदीसों से दिए, इन्हीं हदीसों पर अमल किया, इन्हीं हदीसों के मुताबिक जो है मसले मसाइल बताए, वही इन 6 मुहद्दिसीन ने जमा किए हैं. और इनकी सारी हदीसें काबिल अमल हैं. और इनकी जो अहादीस हैं उनके मुकाबले में कोई सही हदीस नहीं होती, वही लाए हैं. अगर हमें नज़र आ रहा है ऐसा कुछ कि हाँ भाई ये मुतारिज़ है, इसके मुकाबले में फ़ना हदीस है, तो वो हमारी समझ और कम इल्मी का नतीजा है. मुहद्दिसीन की नज़र से देखें तो वो मुखालिफ नहीं होती हदीस, मुतारिज़ नहीं होती दो हदीसें, बल्कि उनमें तत्बीक व तौफीक दे करके समझाया जाता है कि इसका ये मतलब है और इसका ये मतलब है, इसको इस तरह समझना है, इसको इस तरह समझना. खुद मुहद्दिसीन कहा करते थे कि अभी लाओ कोई भी दो मुतारिज़ हदीसें लाओ हमारे सामने, हम तुम्हें उनमें तदबीक देकर समझा दें कि इन दोनों का क्या मतलब है. यानी उस दौर में भी बड़े बड़े उलमा जो है दो हदीसों में तआरुज़ पेश करते थे और कहते थे कि ये इसके ख़िलाफ़ है, ये हदीस इसके ख़िलाफ़ है. तो ये जो मशहूर मुहद्दिसीन हैं, इनके ताल्लुक से आता है कि वो मुतालबा करते, कहते लाओ दो मुतारिज़ हदीसों को, हम तुम्हें समझा दें कि उनका क्या मतलब है. कोई हदीस एक दूसरे से मुतारिज़ नहीं, एक दूसरे के ख़िलाफ़ नहीं है, खुसूसन वो हदीसें जो उन्होंने पेश की हैं, जो उन्होंने तहकीक के बाद पेश. क्योंकि देखें उन मुहद्दिसीन के बारे में तो उन्हीं के दौर के, हालांकि उनके दौर में बहुत बड़े मुहद्दिसीन और शुरू के दौर के मुहद्दिसीन हैं, ये 200 से 300 हिजरी के बीच के सारे मुहद्दिसीन हैं. सबसे पहले जो मशहूर और बड़ी किताब हदीसों की इन्होंने ही तरतीब दी है. और इनके ताल्लुक से ख़ुद उनके दौर के मुहद्दिसीन और इमामान दीन ने
कहा कि खुलिकू लिल हदीसी, अल्लाह ताला ने इनको पैदा ही हदीस की खिदमत के लिए किया है, हदीस की खिदमत के लिए ही पैदा किए गए थे। जो तरह तरह की मनगढ़ंत और मौजू रिवायतें लोगों में आम होने लगी थी, लोग अपने मतलब की हदीसें गढ़ने लगे थे, तो अल्लाह ने अपने दीन की हिफाजत के लिए इनको पैदा किया था। और ये सबसे ज़्यादा माहिर फ़न हदीस थे, माहिर फ़न मुहद्दिसीन थे, अपने फ़न में यानी हदीसों के परखने और जांचने में इनसे ज़्यादा माहिर कोई नहीं। सही बुखारी की शरह में ही कहीं मैंने पढ़ा था किसी जगह पर, मुझे याद नहीं आ रहा किस हदीस की शरह में था, तो उसमें उन्होंने लिखा था कि इन मुहद्दिसीन ने जो है तहकीक को उस मकाम पर पहुंचा दिया था जिससे आगे कोई तहकीक का दर्जा है ही नहीं। इस कदर परख लिया था, जांच लिया था उन्होंने कि उससे आगे कोई और है ही नहीं मकाम उसका, उससे ज्यादा परखा ही नहीं जा सकता। तो वो जो थे अपने उस्तादों को जिन्होंने जिनसे उन्होंने हदीसें हासिल करी थी, और उस्ताद के उस्तादों को वो अच्छी तरह से जानते परखते थे, और हदीसों को उन्होंने जिस महारत के साथ जांचा परखा और फिर उसके बाद अपनी कुतुब में उनको दर्ज किया, अबवाब कायम करे, हेडलाइंस बांधे और हदीस समझाई कि इस हदीस का ये मतलब है, इसका ये मसला जो है इससे मुस्तंबत होता है, वो फजूल और बेकार काम नहीं किया उन्होंने, बड़ी मेहनत की। अल्लाह अकबर, उनकी ज़िंदगी उठा करके पढ़िए, देखिए कैसी मेहनत है, कैसी कुर्बानियाँ, एक एक हदीस के लिए एक एक महीने का सफ़र, फिर उसकी जांच पड़ताल, ज़रा सा किसी पे शक हो जाए तो उसको छोड़ देते थे। हैं, इमाम बुखारी को सिर्फ एक हदीस के बारे में ये मालूम हुआ कि वो तदलीस करते हैं, तो उनकी 10,000 हदीसें छोड़ डाली। एक शख्स को देखा कि वो अपने घोड़े को बुला रहा है खिलाने के लिए इशारा करके, लेकिन वो खिला नहीं रहा है, करीब लाने के लिए उसको पकड़ने के लिए कर रहा है इशारा, तो उसकी हदीसें नहीं ली कि भाई ये जो घोड़े को धोखा दे सकता है तो इंसान को भी दे सकता है। एक रावी एक अपने उस्ताद को देखा कि वो मस्जिद में दाखिल होते हुए सीधा पैर जो है उन्होंने दाखिल नहीं किया, या मस्जिद से निकलते हुए जो सुन्नत तरीका है उस पर अमल नहीं किया, तो उनसे हदीसें लेनी छोड़ दी मुहद्दिसीन ने। इस कदर एहतियात करने वाले, वो आपको झूठी हदीसें देंगे, मौजू मनगढ़ंत रिवायतें देंगे। किस कदर बड़ा इत्तेहाम है, कैसा बड़ा इल्ज़ाम है मुहद्दिसीन पर, जरा सा गौर करे इंसान कि वो हस्तियां जिनको अल्लाह ताला ने दीन की खिदमत के लिए हदीसों की हिफाजत के लिए पैदा किया था, जिनको ऐसा कबूल किया कि उनकी हदीसों को आज 1200 साल के बाद तक महफूज रखा अल्लाह ताला ने, हर जबान में उनके तर्जुमे करा दिए, कुरान मजीद कितना उनकी हिफाजत करी अल्लाह ताला ने, वो झूठी हदीसें दे के गए हैं। वो सारी मेहनतें उन्होंने इसलिए की हैं कि वो झूठी हदीसें दें हमें, उनको वो हदीसें मालूम नहीं थी, मन कदम आलिय मुतअम्मिदन फल यतबव्वअ मक़अदहु मिनन नार, कि जिसने जानबूझकर मुझ पर झूठ बोला हो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले, या जिसने सुनी सुनाई बात पर यकीन किया और उस पर अमल किया वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। इस तरह की जितनी भी हदीसें हैं उनको मालूम नहीं थी, उन्होंने सिर्फ वही हदीसें दी हैं जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित थीं। भले उनकी सनद में कोई ना कोई कमज़ोर रावी है, सबसे पहले तो ज़ईफ़ की डिफिनेशन ही नहीं मालूम हमारे भाइयों को, ज़ईफ़ का मतलब समझ रहे हैं झूठी जो अल्लाह के रसूल से साबित नहीं है। नहीं नहीं मेरे भाई, बिल्कुल नहीं, गलत बात है, झूठी नहीं। ज़ईफ़ का मतलब होता है कमज़ोर, झूठी तो मौजू कही जाती है, मौजू मनगढ़ंत, वो है झूठी हदीस, वो कोई भी नहीं मिलेगी आपको मौजू हदीस से यहाँ सित्ता में, ख़ास तौर से ये जो बड़े मोतबर छः मुहद्दिसीन हैं इन्होंने अपनी किताबों में मौजू रिवायतें नहीं पेश करी। आज की अपनी नई तहकीक करने वाले कुछ
उलमा ने कुछ मौजू निकाली है, लेकिन हकीकत में उस मेयार की तहकीक ये लोग कर ही नहीं सकते बाद वाले जो उन्होंने की है। शुरू के मुहद्दिसीन ने, उन्होंने जब जांच लिया, परख लिया कि हाँ वाकई ये रिवायत अल्लाह के रसूल की है, तभी उन्होंने दर्ज किया है, क्योंकि उन्होंने तो अमल के लिए पेश किया है ना, उनके मुकदमों से ही वाज़ हो रहा है, उनके अक़वाल ही इस पर शाहिद हैं कि उन्होंने जो ये किताबें मुरतब की हैं, सुनन अबू दाऊद हो या सुन जामे तिरमिज़ी वगैरह हो, क्यों मुरतब की हैं अमल के लिए। इमाम अबू दाऊद इमाम तिरमिज़ी के अक़वाल खुद उनके पढ़ लीजिए, उनके मुकदमे में मौजूद हैं किताब में ही कि किस मकसद से उन्होंने किताब लिखी। आप इन किताबों के नामों पर ही गौर कर लें तो उसी से अंदाज़ा हो जाए कि किस मकसद से उन्होंने ये किताबें मुरतब की थी, तरतीब दी थी, ताकि क़यामत तक आने वाले लोग इन पर अमल करें, ना कि इनको जो है वो छोड़ें तरह तरह के हीले बहानों से, इन पर जो है अमल करना से लोगों को रोकें। नहीं, ये मकसद नहीं था। उन्होंने तो सनदों की तहकीक से बेनियाज कर दिया हमें। बड़े बड़े मुहद्दिसीन के अखवाल हैं, देखें साहिब मिशकात जो है वो अपने मुकदमे में लिखते हैं, शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी अपने किताब में लिखते हैं कि उन्होंने जो तहकीक करी है बस वो हमारे लिए मोतबर है, उनकी तहकीक, उन्होंने हमें मजीद तहकीक से बेनियाज कर दिया है, हमें ज़रूरत नहीं है अब मजीद तहकीक करने की। अब जो उन्होंने हदीस परख करके जांच करके हमें दे दी, हमें उस पर अमल करना है, क्योंकि उनसे ज़्यादा माहिर फ़न नहीं थे कोई, और उनके बाद वाले उनकी तरह से महारत के साथ अपने उस्तादों को जांचने वाले नहीं हो सकते। बाद वाले जो है ये कहें कि अभी नहीं, ये फ़ला रावी ऐसा था और फ़ला रावी ऐसा था, उनकी नहीं मानी जाएगी। इमाम दारकुतनी रहमतुल्लाह अलैह कितने बड़े मुहद्दिस हैं, कितने बड़े मुहद्दिस हैं, उन्होंने सही बुखारी की 200 रावियों पर जो है एतराज़ किया, उन पर कलाम किया। इमाम बुखारी जो लाए हैं हदीसें उनके रावियों पर, 200 रावियों पर कलाम किया, लेकिन नहीं चली उन पर। उन्होंने किताब लिखी इस पर बाकायदा, लेकिन नहीं चली, किसी मुहद्दिस ने नहीं माना, उलमा इस्लाम में जो है वो कबूल ही नहीं की गई। क्यों? क्योंकि इमाम बुखारी इस मामले में ज़्यादा माहिर हैं, इसीलिए उनकी नहीं चली। वो माहिर फ़न हैं, उन्हें मालूम है, साहिबुल बैती अदरा बिमाफी ही है ना, मशहूर मकूला है, घर वाला जानता है कि मेरे घर में क्या क्या चीज़ें हैं, बाहर वाला नहीं आकर बताएगा। बाहर वाला आपके घर के अंदर की चीज़ों के पर एतराज़ करे आकर के और कहे कि नहीं ये आपको फ़ना जगह रखना था और ये फ़ना जगह रखना था, मानी जाएगी? नहीं, घर वाला जानता है ना उसने क्यों रखी वो चीज़ वहाँ पर, किस वजह से उसने वो चीज़ रखी हुई अपने घर के अंदर। वो अपने घर की चीज़ों को ज़्यादा बेहतर जानता है बनिस्बत बाहर वालों के। तो वो खुद किताब लिखने वाले जो बता रहे हैं अपनी हदीसों के बारे में, उनका एतबार किया जाएगा, ना के बाद वालों का। उन पर जो है एतमाद ज़्यादा होना चाहिए, उनके जैसा माहिर बाद में नहीं आया, ना उनके जैसा मोतबर माना गया उलमा इस्लाम में, मुहद्दिसीन किराम में। आज तक भी सबसे मशहूर और सबसे ज़्यादा सही और मोतबर किताबें इन्हीं सियासत्ता को माना जाता है। अफसोस ये है कि ये कह देते हैं आसानी से कि नहीं सियासत्ता नहीं कहो, इनको कुतुब सित्ता कहो। बड़े बड़े मुहद्दिसीन कहते आ रहे हैं इनको सियासत्ता, क्यों? क्योंकि हदीस मतन के एतबार से इसमें सब सही हैं, सनद के एतबार से ज़यीफ़ हैं, लेकिन मतनन जो असल बात है अल्लाह के रसूल की जो बात, वो सही है इनमें। सनद में कोई ना कोई कमज़ोर रावी मौजूद है तो उसका यह मतलब नहीं है कि उसकी परखा नहीं जाएगा, उसको जांचा नहीं जाएगा। क्या आज हर किसी की बात पर फौरन यकीन कर सकते हैं या हर किसी की बात को फौरन रद्द कर सकते हैं जब तक जांच ना लें, परख ना लें? ये तो अकल जो है हमारी खुद तस्लीम करती है इस चीज़ को कि हाँ भाई हम जानते हैं कि फलां शख्स झूठा है, लेकिन उसने कोई बात बताई है और वही बात जो उसने बताई है हमारे किसी और दोस्त ने भी बताई है और तीसरे चौथे शख्स से भी वो बात मालूम हो रही है, तो हमें उस पर यकीन करना होगा।
कि हाँ भाई उसकी बात सच्ची है, भले वो झूठा है, झूठे की हर बात झूठी नहीं होती, ना कमजोर याददाश्त वाले की हर बात जो है वो गलत होती है। यहाँ मसला बस वही है कि जो ज़ौफ़ की किस्में हैं, जिन रावियों को किसी न किसी वजह से ज़ौफ़ की कैटेगरी में मुहद्दिसीन ने लाया है, वो झूठ की वजह से नहीं, झूठों को तो कज़्ज़ाब कहा गया, वो तो इनका शुमार ही नहीं है इन ज़ईफ़ों में। और इन ज़ईफ़ों में 103 किस्में हैं, ज़ौफ़ की कितनी किस्में हैं, 103 किस्में उलमा इस्लाम ने गिनाई हैं। अब उनमें मामूली सा भी ज़ौफ़ हो उसको भी ज़ईफ़ की कैटेगरी में लिया है, लेकिन जब उनके शागिर्द ने परख लिया, जांच लिया, उनके पास और सनदें आ गई हैं उसकी, तो उन्होंने उनकी एक रिवायत को पेश कर दिया, काफ़ी है। अब वो सब की सनदें अगर पेश करने लगते तो किताब बहुत ज़खीम हो जाती, जो असल मकसद था वो कम हो जाता। खुद मुहद्दिसीन ने इस चीज़ का इकरार किया है कि हमारे पास इसमें और भी किताबें हैं, आप इनकी सीरत उठा करके देखिए। इमाम बुखारी को 650 लाख हदीसें याद थी हैं, इमाम अहमद बिन हम्बल को 7 लाख हदीसें याद थी हिफ्ज़ सनद के साथ, इमाम अबू दाऊद, इमाम नसाई, इनको 550 लाख हदीसें याद थी। कहाँ हैं वो सब, वो लाखों हदीसें कहाँ हैं? मिलती हैं आपको किसी किताब में कि अभी 6 लाख 7 लाख हदीसें हों उसमें लिखी हुई? नहीं है। क्यों? क्योंकि वो सनदें होती थी मुहद्दिसीन के दौर में, हर अलग सनद को, भले मतलब एक ही है, बात एक ही है, लेकिन रसूल की एक ही चीज बयान कर रहे हैं सारे, लेकिन सनद में एक रावी का भी फर्क है तो वो हदीस अलग मानी जाती थी, वो अलग हदीस है, उसको अलग हदीस शुमार किया जाता था। आप देखिए और कीजिए मुहद्दिसीन की किताबों पे, आपको मालूम होगा कि वो हर सनद को अलग हदीस शुमार करते थे। इस तरह से वो लाखों हदीसें होती थी उनके पास। अब उसमें चंद हदीसें पेश कर रहे हैं वो, 4,000 5,000 हदीसें। खुद इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने जब सही बुखारी तरतीब दी, और उसके बाद देखिए फतुल बारी के मुकदमे में ही जो है वजाहत है, इमाम इब्न हजर अस्कलानी ने लिखा है उनका कौल कि इमाम बुखारी ने कहा मेरे पास अभी 1 लाख हदीसें हैं जो मैं इस किताब में दर्ज कर सकता हूँ, लेकिन तवालत के खौफ से मैं नहीं कर रहा। 1 लाख हदीसें हैं, कहाँ हैं वो 1 लाख हदीसें? क्यों सिर्फ ये 4-5 हज़ार हदीसें पेश की हैं इमाम बुखारी ने? क्यों? असल मकसद उनका था कि लोग जो है दीन को, उसके अहकाम को, उसके मसाइल को, जो अमल के लिए हैं, बस वो सीख लें, जान लें। सनदों में उलझाना मकसद नहीं था। अब वो एक एक हदीस की 10-10 सनदें लाते तो मकसद उनका ख़त्म हो जाता, इसीलिए वो एक ही सनद लाए, भले उसमें कमज़ोरी है, लेकिन उन्होंने जांच लिया, परख लिया, उसको काबिल अमल जाना। खुद इमाम तिरमिज़ी अपनी जामे तिरमिज़ी के अंदर लिख रहे हैं कि मैंने जितनी भी हदीसें इसमें पेश की हैं सब मामूल भी ही हैं, सब काबिल अमल हैं। हालांकि जगह जगह आप देखेंगे खुद इमाम तिरमिज़ी हदीस पेश कर रहे हैं और कह रहे हैं हाज़ा हदीसुन ज़ईफ़ुन वल अमल अलैहि इंदा अहलिल इल्म, यह हदीस ज़ईफ़ है और अमल इसी पर है अहले इल्म के नज़दीक, यानी मुहद्दिसीन के नज़दीक, उलमा इस्लाम के नज़दीक। कौन थे उनके उलमा इस्लाम उनके दौर में? वही मुहद्दिसीन थे और उनके असातिज़ा थे, तब ताबईन, ताबईन वगैरह, सहाबा तक सिलसिला जो है उलमा का ही पहुंच रहा है, उन वो सब अमल करते आ रहे हैं, भले वो हदीस ज़ईफ़ है। ज़ईफ़ का मतलब कमज़ोर। अब वो कमज़ोर भी कौन सी कैटेगरी का कमज़ोर है, कौन से दर्जे का कमज़ोर है? 103 किस्मों में से कौन सी किस्म है, वो हमारा काम नहीं है जांचना। उनका सिर्फ इतना कह देना ये ज़ईफ़ है और ये फला रावी इसमें ज़ईफ़ है, वो इसलिए, जैसा कि खुद एक मुहदिस ने वजाहत करी कि इसलिए ताकि जो है उस दौर में सिलसिले सनद के अलावा जो है हदीसें हासिल ही नहीं की जाती थी, तो उन्होंने जो है वजाहत करी कि हाँ भाई इस रावी से कोई भी हदीस ले तो पहले जांच ले, परख ले उसकी रिवायत को, कहीं ऐसा ना हो कि भी तुम ये कह दो कि हाँ भाई इमाम अबू दाऊद ने, इमाम तिरमिज़ी ने इसकी हदीस ली है तो बस ये मोतबर है, इसकी रिवायत को ये इतने बड़े मुहद्दिस लाए हैं तो बस ये मोतबर है रावी। नहीं, बल्कि इसकी रिवायत को परख लेना, हमने तो जाँच लिया, परख लिया, हम जाँच परख करके लाए हैं।
हमने तो पहचान लिया कि हाँ भाई ये रिवायत सही है, सनदन भले ज़ईफ़ है लेकिन मतनन सही है, मतन इसका सही है, अल्लाह के रसूल से है ये साबित बात, क्योंकि इसकी इस यही बातें मुझे दूसरे सनदों से भी पहुंची हुई हैं, भले उस सब में कुछ ना कुछ कमज़ोरी है और बराबर अमल चला आ रहा है इस चीज़ पर। सब जांचते हैं, वह हर तरह से हदीसों को परखते हैं, पांच किस्में मुहद्दिसीन ने गिनाई हैं ज़ईफ़ हदीस को परखने की, जांचने की, पांच तरह के अलग अलग तरीके जो मुहद्दिसीन के उसूलों में हैं कि हाँ भाई उस पर अमल होता रहा है बराबर। तो यकीनन जो है, क्योंकि वो जो अमल करते आ रहे हैं वो सहाबा से सीख करके आ रहे हैं ना, सहाबा ताबीन तब ताबीन उसके बाद मुहद्दिसीन है, ताबे तब ताबीन के शागिर्दों में मुहद्दिसीन आ रहे हैं, या फिर उसकी दूसरी सनदें मिल रही हैं उसको जांच रहे हैं, या फिर किसी भी सही हदीस के खिलाफ नहीं है उसी को वो परख करके ला रहे हैं। इस तरह की किस्में उन्होंने गिनाई हैं, उसमें तलक्का बिलकबूल जिनको हासिल है रिवायतों को वही उन्होंने पेश की, हर तरह की ज़ईफ़ रिवायतें नहीं लिया है वो, उन्होंने जो जांचना था परखना था वो परखने के बाद फिर हमारे लिए पेश की है उन्होंने। इसीलिए जो है उलमा इस्लाम ने बड़ी वजाहत से कहा कि भाई कुरान मजीद और सिहा सित्ता वमा वाफ़क बिहिमा, और जो इनके मुताबिक हों दूसरी किताबों में उनको मजबूती से पकड़ लो, तुम सही राह पर चल पड़ोगे, इसके खिलाफ नहीं चलना, ये बता दिया गया हमें उसूल, और इससे बेहतर कोई उसूल हो भी नहीं सकता। असल में ज़ईफ़ के बारे में एक ऐसा हवा बिठा दिया गया है कि भाई जो है ज़ईफ़ का मतलब होता है मनगढ़ा झूठी, ये बिल्कुल ग़लत है, ये जो लोगों में आम किया जा रहा है, फैलाया जा रहा है, ज़ईफ़ का कतई किसी ने भी ये मतलब बयान नहीं किया। आप किसी भी किताब को उठा के देख लीजिए, मुस्तलिल हदीस की किताबें बहुत हैं, कहीं पर भी जाँच लीजिए परख लीजिए, किसी ने भी ज़ईफ़ का ये मतलब किया ही नहीं है। ज़ईफ़ की बहुत सारी किस्में हैं, कोई ना कोई मामूली से मामूली कमज़ोरी की वजह से भी ज़ईफ़ के कैटेगरी में, और ज़ईफ़ उमूमन सनदों में होती हैं मतन में नहीं, शादी से पेश की गई हैं इन मुहद्दिसीन मुअतबरीन मशहूरीन ने जो हदीसें पेश की हैं जाँचने परखने के बाद, तो वो मतन उन्होंने जाँचा है, सनद में भले कमज़ोरी हो लेकिन वो लाएँ, क्योंकि एक तो उसके खिलाफ कोई सही हदीस नहीं है, दूसरा जो है वो परख लिया कि हाँ वाकई अल्लाह के रसूल से है, क्योंकि सहाबा का अमल आसार ताबेईन के मिल रहे हैं उनको, और दूसरी सनदों से भी मिल रही हैं रिवायतें, तो वो सारी सनदों की पेश करने के बजाय बस एक सनद उसमें से पेश कर देते हैं और उसको अमल के वास्ते बाकायदा समझा देते हैं, बाप बांध देते हैं ऊपर, वरना तो उनका काम ये बेकार हुआ ना सारा। अगर हम ये कहें कि जिस तरह आज अल्लामा अल्बानी साहब ने, अल्लाह ताला उन पर रहम फरमाए, कि उन्होंने जो है आदि आदि कर दी सुनन अबू दाऊद, सही अबू दाऊद और ज़ईफ़ अबू दाऊद, सही तिरमीज़ी और ज़ईफ़ तिरमीज़ी, आदि आदि निकाल दी हदीसें उसमें से, 1200 साल में किसी बड़े आलिम ने, किसी इतने बड़े बड़े मुहक्किकीन गुजरे, किसी ने ये हिम्मत नहीं करी, लेकिन उन्होंने आदि आदि कर डाली और जो है ये पेश कर दिया कि भाई ये नाकाबिल अमल है और ये काबिल अमल है। अगर ऐसा मामला होता तो उनकी सारी मेहनत पे पानी फेर दिया ना हमने, कि जब उन्होंने झूठी और गलत हदीसें हमें पेश की हैं तो फिर उनका एतबार ही नहीं रहा, वो मोतबर ही नहीं हुए। जो मौजू रिवायतें झूठी रिवायतें पेश करें अपनी किताब में और कहे कि ये अमल के वास्ते हैं, तो वो खुद मोतबर नहीं हुआ ना, फिर उनकी दूसरी किसी बात पर कैसे यकीन कर सकते हैं, कैसे एतबार कर सकते हैं। नहीं, हकीकत तो ये है कि आज जो अस्मा और रिजाल की बुनियाद पर तहकीकें की जा रही हैं, सिर्फ अस्माउर रिजाल की किताबें पढ़ पढ़ कर कि भी फ़ना रिवायत, फ़ना रावी को फ़ना शख्स ने ज़ईफ़ कहा, फ़ना रावी को फ़ना आलिम ने ज़ईफ़ कहा है, वो किताबें पढ़ पढ़ कर जब हम करते हैं तहकीक तो यकीनन गलती खाते हैं, उसमें धोखा हो जाता है, सही मौक़िफ़ में नहीं आ सकते, कभी भी नहीं आ सकते।
उन मुहद्दिसीन के, जैसा कि किताब में पढ़ा इकबाल खिलानी साहब की किताब में, उन्होंने बड़ा अच्छा जो है वो दो सतर में उन्होंने वजाहत कर दी कि आजकल बहुत सारे जो है उलमा ऐसे खड़े हो गए कि बस अपनी तरफ से ही तहकीक करके जो है वो किसी भी हदीस को ज़ईफ़ करार दे देते हैं, हालांकि ये हर किसी के बस की बात नहीं है हदीसों की तहकीक करना, ये उन्हीं का काम था जो माहिरीन फ़न थे, और सारे उसूलों को सामने रख करके जो वो तहकीक किया करते थे वही ये काम जो है उन्हीं को जेब देता है। आज 1200 साल के बाद कहें कि नहीं उन्होंने काम सही नहीं किया था, उन्होंने बिल्कुल गलत तहकीक करी थी, आज हम कर रहे हैं तहकीक, उन्होंने गलत फतवा दिया था, उन्होंने जो इस पर इस्तेदलाल किया वो गलत था, आज जो हम कर रहे हैं जांच वो सही है, नहीं मेरे अजीज, अस्माउ और रिजाल की किताबों से हम देख करके नहीं कर सकते सही फैसला। आज जो गलतियां खा रहे हैं हम, यही इसी वजह से हो रही हैं कि हम अस्माउ और रिजाल के एतबार से जो है उनकी हदीसों को परखना शुरू कर दिया है, जांचना शुरू कर दिया है, जबकि अपने उस्तादों को वो ज़्यादा बेहतर जानते थे, उन्होंने ज़्यादा अच्छे तरह उनको जांचा परखा, उन्होंने ज़्यादा अच्छे, क्योंकि वो एक तो करीब थे उस ज़माने के, सहाबा के दौर से वो ज़्यादा करीब थे, और सहाबा के शागिर्दों से उन्होंने हदीसें ली थी, ठीक है, और वो दौर ही था असल हदीसों के जांच का, उनका जो दौर था वो सबसे सुनहरा दौर माना जाता है हदीसों के, इस कदर उन्होंने जो है बड़े बड़े हजारों की तादाद में बड़े बड़े मुहद्दिसीन थे उनके दौर में। देखिए आप इन मुहद्दिसीन की सीरत उठा करके देखिए कि जिन उस्तादों से उन्होंने जो है पढ़ा तो तकरीबन 10-10 हज़ार, और एक बल्कि इमाम बुखारी के मजलिस में 30 हज़ार कलमें हुआ करती थी, स्याही और कलम से जो लिखा जाता था, लिखने वाले इमला करने वाले 30 हज़ार बैठे होते थे मजलिस में, और 300-300 लोग जो है आगे आवाज़ पहुंचाने वाले हुआ करते थे, और बाकी जो नहीं लिख रहे हैं वो अलग बैठे होते थे सिर्फ सुनने वाले, इतनी बड़ी बड़ी मजलिसें होती थी अहदीस की, वो दौर ही था असल हदीसों के, इल्म का उरूज था इल्म हदीस का। किताबुल इलल इमाम बुखारी इमाम तिरमिजी से ज्यादा कौन जानता है बता दीजिए मुझे, किताबुल इलल लिखी उन्होंने, इल्म इलल जो है वो हदीसों की वो बारीक कमजोरियां जो आम तौर पर नहीं मालूम की जा सकती, आम तौर पर एक मुहद्दिस नहीं समझ पाता, एक आलिम नहीं समझ पाता कि इस सनद में ये बारीक कमजोरियां हैं, वो इलल हदीस के माहिर थे इमाम बुखारी और इमाम तिरमिजी, इमाम बुखारी के शागिर्द हैं इमाम तिरमिजी। अब उन्होंने बाकायदा किताबुल इलल अपनी किताब के आखिर में जो आज छपी हुई है, बाकायदा तिरमिजी के आखिर में किताबुल इलल भी है इमाम तिरमिजी, उसमें आप देखिए किस कदर बारीकी के साथ उन्होंने सनदों पर बहस की, उसके बावजूद वो लिख रहे हैं कि जितनी भी हदीसें मैंने अपनी इस जामे तिरमिजी में पेश की हैं सब मामूल भी हैं, सब पर अमल होता रहा है, और मैंने सब पर अमल होते हुए देखा है, यानी मुहद्दिसीन उलमाए कराम बराबर अमल करते आ रहे हैं उन पर सिवाय दो हदीसों के, ये वजाहत है, सिवाय दो हदीसों के सब हदीसों पर अमल होता रहा है। कौन सी हैं वो दो हदीसें? कि एक तो बगैर किसी उज्र के मैंने दो नमाजें एक साथ मिला करके पढ़ते हुए नहीं देखा, हालांकि वो सही मुस्लिम की रिवायत है, सही रिवायतें हैं कि अल्लाह के रसूल ने ना बारिश थी ना खौफ था, ना जो है सख्त सर्दी गर्मी थी, ना जो है दुश्मन का कोई खौफ था, मतलब कोई खास उज्र नहीं था, लेकिन फिर भी दो नमाजें मिला करके पढ़ी थी, सही रिवायत है, लेकिन उस पर अमल होते हुए नहीं देखा, कभी नहीं देखा कि बिला वजह जो है दो नमाजें एक साथ कभी किसी मस्जिद में मिलाकर पढ़ी गई हों, और ना ही इस पर अमल होते हुए देखा मैंने कि हाँ भाई शराबी 3 बार पकड़ा जाए उसको कोड़े मारो, चौथी बार पकड़ा जाए उसको कत्ल कर दो, इस पर भी अमल होते हुए नहीं देखा कभी, बाकी सब मामूल भी हैं, सब पर अमल होते हुए देखा, सब पर अमल चला रहा है, खुद इमाम तिरमिजी कह रहे हैं, बड़े अजीम मुहद्दिस इमाम बुखारी के शागिर्द। आज हम कहें कि नहीं उनकी आधी किताब जो है उनमें ज़ईफ़ है और सबको हटा दें, फिर किस पर अमल करेंगे मेरे भाई?
जबकि खुद इमाम तिरमिजी जगह जगह खुद हदीस पर बहस कर रहे हैं, हदीस भी बयान कर रहे हैं, बाप के जरिए समझा भी रहे हैं उसका मसला, और फिर नीचे लिख रहे हैं हादा हदीसुन ज़ईफुन वल अमलु अलैहि इंद अहलिल इल्म, कि अहले इल्म इसी पर अमल करते आ रहे हैं, हालांकि यह हदीस ज़ईफ है। क्या मतलब उसका? तो मुहदिसीन का हमने तरीका समझा ही नहीं, असल में हकीकत में उस पर गौर ही नहीं करा, उसकी गहराई में उतरे ही नहीं है हम। इमाम नसाई रहमतुल्लाह अलैह का मैं बताऊं आपको, कई जगह एक ही मौजू पर एक ही हदीस पेश कर रहे हैं, तीन तीन चार चार अलग अलग सनदों से, फिर आखिर में लिखना हादा हदीस उन खता उन, यह हदीस गलत है, फिर लिख रहे हैं हदीस, फिर लिख रहे हैं नीचे यह हदीस गलत है, फिर दूसरी हदीस रहे, फिर कह रहे हैं कि यह हदीस सही है, हालांकि तीनों हदीस का मतन एक ही है, सनद अलग अलग है, मतन एक ही है, बात एक ही है। दुरूद के बारे में देख लीजिए आप, दुरूद इब्राहिमी पर वो तीन हदीसें पेश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि यह हदीस गलत है, हालांकि सही बुखारी सही मुस्लिम में भी वो रिवायतें मौजूद हैं, उसको कह रहे हैं गलत। क्यों? असल में वो इलाल हदीस के माहिर थे, बारीकियां जानते थे कि सनद में क्या कमजोरी है, तो वो सनद की कमजोरी की तरफ इशारा करके कह रहे हैं कि यह हदीस गलत है। उसका यह मतलब नहीं कि पूरी हदीस मतन समेत गलत है, नहीं, वो सनद को कह रहे हैं यह हदीस गलत है, क्योंकि वो सनद के साथ ही हदीस को मानते थे, सनद के बगैर तो हदीस होती नहीं थी उनके दौर में। इस्तलाह मुहद्दिसीन को समझा ही नहीं आज हमने, जन्नी बात है कि हाँ भाई जो है टमाटर की मिसाल और गार की मिसाल, अल्लाह रहम फरमाए, हम अकल से जो है बात कर रहे हैं, उनके उसूलों को छोड़ दिया हमने, उनके तरीकों को छोड़ दिया, सलफ सालिहीन के मनहज सलफ को अपनाए मेरे अजीज। आज अगर हम इस तरह से ज़ईफ़ कह कर के हदीसों को हटाने लगे तो आप ना तो वजू पूरे कर सकेंगे, ना नमाज पूरी पढ़ सकेंगे, ना आपकी कोई इबादत मुकम्मल हो सकती है बगैर उन हदीसों के जो इन्होंने पेश की हैं लेकिन ज़ईफ़ हैं। मिसाल के तौर पर मैं बताऊं आपको, वजू आप किस पानी से करते हैं? हदीस तो सही ये है, हमारे भाई ने एतराज किया ना कि भाई हदीस सही होते हुए ज़ईफ़ हदीस पे अमल नहीं होगा बिल्कुल भी, लेकिन वो परखना है, पहले जांचना है कि वाकई उसके खिलाफ है या अलग अलग अंदाज से उसको समझा जा सकता है, वो है असल चीज जिसमें आज उमूमन महारत नहीं है उलमा को, वो मुहद्दिसीन इसमें माहिर थे, वो जानते थे कि भाई इस हदीस का क्या मतलब और उस हदीस का क्या मतलब। आज तो हमें समझ में नहीं आता तो हम कह देते हैं कि ये इसके मुखालिफ है, ये इसके खिलाफ है, इसीलिए इसको छोड़ दो और इसको ले लो, लेकिन वो जानते थे कि इसका क्या मतलब और इसका क्या मतलब, इसीलिए दोनों तरह की हदीसें लाते थे। अब सही हदीस ये है कि अलमाउ तुहुरुन ला युनज्जिसुहु शैउन, पानी पाक है, उसको कोई चीज़ नापाक नहीं कर सकती, लेकिन ज़ईफ़ हदीस में क्या है? अलमाउ तुहुरुन ला युनज्जिसुहु शैउन इल्ला मा यतगय्यरु रीहुहु औ ताअमुहु औ लौनुहु, पानी पाक है, उसको कोई चीज़ नापाक नहीं कर सकती, लेकिन अगर निजासत के गिरने से उसका रंग बदल जाए, बू बदल जाए या मज़ा बदल जाए तो वो नापाक हो जाता है। अब आप किस पे अमल करेंगे? उस सही हदीस पे जिसमें है कि कोई चीज़ उसको नापाक नहीं कर सकती, सही मुस्लिम की रिवायत, या इस ज़ईफ़ हदीस पर जिसमें है जो अबू दाऊद में है कि भाई उसका रंग बू मज़ा बदले तब वो नापाक हो जाता है निजासत के गिरने से? कौन सी हदीस पे अमल करेंगे? अगर आप कहें कि सही हदीस पे अमल करेंगे सिर्फ, तो ये नाले का पानी भी फिर आपको वजू करना पड़ेगा, उससे गंदे और बदबूदार पानी से भी आपको जो है गुसल और वजू कर सकते हैं फिर आप, क्योंकि वो नापाक नहीं है सही हदीस के मुताबिक। जबकि ज़ईफ़ हदीस जो है बता रही है कि नहीं, अगर रंग बदल जाए, बू बदल जाए, मज़ा बदल जाए नजासत के गिरने से तो वो नापाक हो जाता है, और इसी पर फतवा है। तमाम उलमा इस्लाम आज तक बराबर इसी ज़ईफ़ हदीस पर फतवा देते आ रहे हैं। अब कहाँ है उसूल वो हमारा कि नहीं सिर्फ जो है सही हदीस पर ही अमल होगा? नहीं, हदीसों को समझना है, असल मुहद्दिसीन के तरफ पर समझना है। वजू करने से पहले बिस्मिल्लाह कहना हर कोई करता है, सारे मुहद्दिसीन सारे उलमा इस्लाम आज तक
बराबर अपने अपनी नमाज की किताबों में लिखते आ रहे हैं, कभी वजू से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना है, लेकिन वो ज़ईफ़ हदीस है, उसकी जितनी सनदें हैं सब ज़ईफ़ हदीसें हैं, जबकि अल्लाह के रसूल कह रहे हैं कि वज़ू होता ही नहीं बगैर बिस्मिल्लाह के, जिसने जानबूझकर वज़ू बिस्मिल्लाह छोड़ा उसका वज़ू ही नहीं हुआ। और यही फतवा हमेशा हर आलिम देता चला आ रहा है, किसी ने भी इसका इनकार नहीं किया। क्यों ज़ईफ़ हदीस पे अमल होता रहा बराबर अब तक, ये मैं एकदम मिसालें दे रहा हूँ, वरना ऐसी बहुत सारी हैं। आप नमाज में देख लें, नमाज में आप खड़े हुए, रफल दैन किया आपने, तो किस तरह रफल दैन किया, अपनी हथेलियों को क़िबले की तरफ करके रफल दैन करके फिर नमाज शुरू करते हैं, है ना, ऐसे ही रुकू में जाते हो, रुकू से उठते वक्त रफल दैन करते हैं। तो ये कोई सही हदीस दिखा दे मुझे कि हाँ भाई हथेलियों को क़िबले की तरफ ही करना है। रफा यदई ही वहाँ पर भी जिक्र है जहाँ नमाज के अलावा हम जो हाथों को उठाते हैं दुआ के लिए, तो वहाँ रफा यदई के लफ्ज़ हैं और यहाँ भी रफा यदई के लफ्ज़ हैं। तो वहाँ तो हम हाथ उठाते हैं इस तरह के हमारे चेहरे की तरफ या आसमान की तरफ हथेली होती है, जबकि यहाँ जो हम हाथ उठाते हैं वो इस तरह के हमारे हथेली जो है वो क़िबले की तरफ होती है, जबकि दोनों जगह रफा यदई ही। क़िबले की तरफ करने की कौन सी हदीस है हमारे पास, और सख्त ज़ईफ़ है हदीस जिसमें वजाहत है कि कोई क़िबले की तरफ हाथे लिए हो रफल दैन करते हुए नमाज में, लेकिन बराबर सब अमल करते आ रहे हैं, सारे इसी पर फतवा देते आ रहे हैं, सब यही तरीका बताते आ रहे हैं, इसी हदीस से इस्तदलाल करते आ रहे हैं। सजदे की हालत में 10 मरतबा सुभान रब्बिल आला, ये सही हदीस है सही इब्न खुज़ैमा वगैरह की, जबकि 3 बार सुभान रब्बिल आला पढ़ने की ज़ईफ़ हदीस, लेकिन उमूमन सब जो है 3 बार पढ़ने, कम अज़ कम 3 बार पढ़ लो सुभान रब्बिल आला, सब बराबर उलमा इस्लाम अपनी किताबों में लिखते आ रहे हैं इसी पर फतवा। ये तो चंद मिसालें दे रहा हूँ, वरना ऐसी हज़ारों हदीसें हैं जो ज़ईफ़ हदीस से ही साबित हैं और उसी पर अमल हो रहा है। रोज़े की हालत में आप देख लें, जो मुझे थोड़ा याद आ रहा है अभी वो मैं बता रहा हूँ, वरना मैं बैठूँ अगर निकालने के लिए तो अभी सैकड़ों निकाल के आपके सामने रख सकता हूँ। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जिसने जो है जानबूझ करके कर दी उसका रोज़ा टूट गया, और जिसका खुद ब खुद क़य हो गया उसका रोज़ा नहीं टूटा। ये ज़ईफ़ हदीस है, लेकिन सब का इसी पर अमल है, सब ने इसी पर फतवा दिया, इसके खिलाफ किसी का फतवा नहीं मिलता। क्यों? बड़े बड़े उलमा इस्लाम जो है इसके मुताबिक फतवा दे रहे हैं। मैं कहता हूँ ये छोड़िए, आज जितने भी बड़े बड़े मुहक्किकीन हैं, बड़े बड़े उलमा अरब हों या अजम हों, सब किसी की भी फतवे की किताब उठा लीजिए, सिहा सित्ता की ज़ईफ़ हदीसों से ही फतवा देते हुए आपको नज़र आएंगे, उसी से मसला साबित करते हुए नज़र आएंगे आपको। बीसियों में उसमें आपको किसी भी किताब को ले आइए आप फतवे की, 20 हदीसें ज़ईफ़ दिखा दूंगा मैं आपको, सनदन उसमें मौजूद हैं जिससे फतवा दिया जा रहा है, जिससे मसला साबित किया जा रहा है। असल मसला है तदबीख देना, एक दूसरे से मुतारिज नज़र आ रही हैं तो उनको समझना समझाना। इसी को दे लीजिए मिसाल के तौर पर, जो ये हदीस है कौन सी जिस पर यह सवाल उठा है कि हाँ भाई मुहर्रम की 10 तारीख को आशुरे के दिन दस्तखान का वसीय करना, इस बारे में जो हदीस है वो एक अलग बहस है कि हाँ भाई वो सब ज़ईफ़ हैं या क्या है। बड़े बड़े महक्किकीन जो है उसको सारी सनदों को सामने रख के उसको हसन करार दे रहे हैं, वो एक अलग तहकीक है, लंबा हो जाएगा। 8 सनद है उसकी अलग अलग मौजूद हैं, 8 सहाबा से मरवी है वो रिवायत, भले वो सब से ज़ईफ़ हैं, इमाम बेहकी ख़ुद कह रहे हैं कि ज़ाज़ुम बाज़ु बाज़न अख़दत अल-क़ुव्वा, कि एक दूसरे से मिलाया जाए इन हदीसों को तो ये मज़बूत हो जाती हैं सनदें और यह हसन के दर्जे को पहुँची हुई। बहरहाल अब इसके खिलाफ कौन सी सही हदीस है बताएं मुझे, कहीं किसी हदीस में है क्या अभी नहीं जो है इस दिन कोई कुशादा नहीं करना दस्तखान, किसी हदीस में मना है कहीं पे भी, किसी साहबी ने मना किया है, कौन सी है हदीस इसके खिलाफ? अगर कोई ये कहता है कि अभी इस दिन तो रोज़ा रखना है, तो जी हाँ बिल्कुल रोज़ा रखना है, वो भी सही हदीसें हैं, तो वो इसके खिलाफ नहीं है, क्योंकि सहरी और इफ्तारी तो इसी दिन की जा रही हैं, वो भी यही है ना दिन, मुहर्रम ही के दिन के सहरी और इफ्तारी है ना, तो उसी दिन की जा रही हैं, तो सहरी और इफ्तारी में क्यों नहीं किया जा सकता दस्तखानों से,
کیوں نہیں اس پر عمل ہو سکتا؟ مخالف نہیں ہے یہ، ایسے ہی سب حدیثوں کو جو ہے جانچا پرکھا جاتا ہے، اس کو مخالف کر کے نہیں دیکھنا ہے۔ علماء اسلام نے لکھا ہے، امام سیوطی وغیرہ کا آپ دیکھیں گے، اور امام ابن رجب رحمت اللہ علیہ ہیں، اور کئی امام ابن قدامہ وغیرہ کے ہیں اقوال اس تعلق سے کہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ کسی حدیث کو منسوخ یا ضعیف کہہ کر اس وجہ سے انکار کرے کہ وہ دوسری فنا حدیث کے متعارض ہے، اس کے خلاف ہے، اس سے ٹکرا رہی ہے، نہیں ہے جائز جب تک کہ وہ اس میں تطبیق دے دے، تطبیق دے کر نہ سمجھا دے اس کو۔ بلکہ ایک محدث تو کہتے ہیں کہ بھئی جو ہے ہم لوگ حدیثیں پڑھا کرتے تھے، اور جب دو حدیث متعارض ہوتی تو ہم اپنے استاد سے سمجھتے، اور جو نہیں ہم سمجھ پاتے تو اس کو اس کی حالت پر چھوڑ دیتے تھے، اس کے اس پر حکم نہیں لگاتے تھے، ہم لوگ ڈرتے تھے حکم لگانے سے، اس کو اس کی حالت پر چھوڑ دیتے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے رسول سے ثابت ہو اور ہم یہ کہہ دیں کہ نہیں یہ غلط ہے یا یہ قابل عمل نہیں ہے، بہت ڈرتے تھے۔ تو حدیثوں کے معاملے میں بہت زیادہ احتیاط کرنا ہے، بہت زیادہ جانچ پڑتال گہرائی سے کرنی ہوتی ہے، وہ محدثین نے کی، اسی لیے جو ہے ان کی کتابوں کو اہمیت دینا، ان کو ترجیح دینا، اگر انہوں نے صحیح قرار دیا ہے، انہوں نے قابل عمل قرار دیا ہے تو ان کی ماننی پڑے گی، اعتبار ان کا کرنا ہوگا۔ آج ان کی حدیثوں پر تحقیق کرنے والے علماء کا میں دیکھتا ہوں حشر کہ ایک عالم تحقیق کر رہے ہیں ایک کتاب میں تو اس حدیث کو جو ہے وہ ضعیف قرار دے رہے ہیں، دوسری کتاب میں تحقیق کر رہے ہیں وہاں پر حسن یا صحیح قرار دے رہے ہیں، کیونکہ وہاں سند الگ ہے۔ اب وہاں پہ تو انہوں نے ضعیف کہہ دیا، کوئی اس کو عمل کو چھوڑ سکتا ہے یہ کہہ کر کے کہ بھی ضعیف ہے، جبکہ دوسری کتاب میں انہی کی تحقیق ہے کہ وہ صحیح، البانی صاحب کی 50 حدیثیں اس طرح کی ہیں، 50 روایتیں، شیخ ابو غدہ جو شام کے ایک عالم ہیں انہوں نے نکالی ہیں، نیٹ پہ بھی آپ کو ملے گی 50 مسٹیکس آف البانی، شیخ البانی، 50 غلطیاں اسی طرح کی انہوں نے نکالی ہیں کہ ایک کتاب میں انہوں نے تحقیق کری اور اس کو حسن یا صحیح قرار دیا، دوسری کتاب میں تحقیق کری اور اس کو ضعیف قرار دیا اسی روایت کو، یہاں تک کہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی کئی روایتوں کو انہوں نے ضعیف قرار دے دیا جو دوسری کتابوں میں ہیں، جبکہ وہی روایتیں بخاری مسلم میں بھی ہیں۔ تو یہ اتنا آسان کام نہیں ہے میرے بھائی کہ کوئی بھی جو ہے کھڑا ہو جائے اور تحقیق کرنے لگے اپن انداز سے۔ آج کے دور میں اسماء الرجال کے حساب سے جائیں گے تو اسماء الرجال میں تو بخاری مسلم کے کتنے راویوں کو ضعیف کہا گیا ہے، کیا ان کو ضعیف مان لیں گے ہم؟ نہیں، صحیح بخاری صحیح مسلم میں تو کوئی ہے ہی نہیں ضعیف روایت، سند کے اعتبار سے آپ کو مل جائیں گی ضعیف، لیکن اس پر اتفاق ہے، علماء امت کا اتفاق ہے، متفق علیہ کہا جاتا ہے کہ ان میں صحیح ہیں روایتیں سب، بلکہ پہچان بتا دی گئی علماء اسلام نے کہ جو بخاری مسلم کی روایتوں پہ اعتراض کرے اور ان کو ضعیف قرار دے وہ بدعتی کی پہچان ہے، وہ بدعتی ہی ہو سکتا ہے جو بخاری مسلم کی روایتوں پر اعتراض کرے، شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا ہے۔ تو ہمیں جو ہے اس انداز سے سمجھنا ہے کہ بھئی آخر اعتبار کریں گے کس پر؟ آج اتنے سارے علماء الگ الگ تحقیق بیان کر رہے ہیں، الگ الگ حکم لگا رہے ہیں حدیثوں پہ، کس کا اعتبار کریں گے؟ کس کی تحقیق پر جو ہے آپ یقین کریں گے؟ کسی نہ کسی ایک پر تو اعتبار کرنا ہوگا نا، تو کیوں نہ ان پر اعتبار کریں جو سب سے زیادہ ماہر فن تھے، سب سے زیادہ معتبر تھے، سب سے شروع دور کے تھے، سب سے عظیم جو اس معاملے میں محدثین تھے جنہوں نے پیش کی ہیں اپنی کتابوں میں، جو اپنی کتابوں کو زیادہ اچھی طرح جانتے تھے، تو انہوں نے جو اپنی کتاب کے بارے میں بات بتائی ہے ان کا کیوں نہ اعتبار کریں؟ کیا وجہ ہے کیوں نہیں ان کا اعتبار ہوگا؟ بعد والوں کا ہی کیوں اعتبار کریں؟ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ دے۔ مختصر میں کر رہا ہوں کیونکہ جانا ہے کلاس کے لیے، وقت نہیں ہے اتنا، اللہ آسانی کرے اور ہمیں سمجھ دے انشاءاللہ، غور کرنے کی، اس پر تحقیق کرنے کی، تھوڑا گہرائی سے اس کو سمجھنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عنایت فرمائے۔ وَأَقُولُ فِي الْقُرْآنِ مَا جَاءَتْ بِهِ
آياته فهو الكريم المنزال. وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأول.